नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय बड़ी खबर आ रही है भोपाल के मिसरोद से। किसानों का हमदर्द होने का दावा तो मध्य प्रदेश सरकार करते नहीं थकती, लेकिन प्रदेश के किसानों द्वारा खून पसीने से उगाया गया गेहूं लेने में अधिकारी आनाकानी करने लगे हैं। आलम यह है कि किसान अपनी उपज लिए सड़कों पर खड़े हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। भोपाल के मिसरोद गांव में किसान सरकार की इस दो मुही बातों से आक्रोशित हो गए। किसानों ने यहां जमकर आंदोलन छेड़ दिया है। देखिए इंडिया फर्स्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के हितेशी यहाँ पर नजर आते, लेकिन यहाँ पर सरकारी सहकारिता संस्थान यहाँ पर किसानों का जो गेहूं है वो लेने से यहाँ पर इनकार कर रहा है। कुछ किसान यहाँ पर नाराज किसान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं किस बात को लेकर यहाँ पर नाराजगी आपकी? ये भैया गेहूं खरीद नहीं रहे हैं, गेहूं कहने लगा ये गेहूं नहीं लेंगे, ये वाले ये गेहूं कहने लगा सफेद है। अधिकारी बोल रहा है इस गेहूं का सैंपल रिजेक्ट होगा, और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि दाना दाना तुलेगा किसान का, और आज ये स्थिति आ गई किसान के पास पूरी ट्रालियां खड़ी है और जो मंडी बंद करवा दी है। अधिकारी बोल रहा है, अधिकारी मौन व्रत रख लिया उनने, तो नौ दुर्गा का व्रत रहेगा। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, स्टेटमेंट ही नहीं उनके पास कुछ की किसान के लिए कुछ बोले। तौर पर देखा जैसा किसानों में खासा रोष है, लेकिन हम अधिकारियों से एक बार अंदर बात करने की कोशिश करें कि अधिकारी इस पूरे मामले को क्या कहना चाहते हैं। सर, ऐसा होता है, देखने में आता है कि किसान हमेशा आंदोलन करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सारा गेहूं का एक एक दाना लिया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा भेदभाव क्यों होता है कि अक्सर किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद जाकर नियमों को शिथिल करके फिर आप एक गेहूं लेने की बात करते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, जो साधारणतया FAQ लेने का है उसके कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं, और यदि उसके अतिरिक्त गेहूँ आता है तो उसके लिए विशेष साधन MP गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विशेष छूट देती है, तब अपन उसको भी लेते हैं। तो अब ये कितनी देर में माने, कितनी देर में किसान? ये लेब में जाएगा, टेस्ट होएगा, और फिर इसके हाई लेवल से परमिशन मिलेगी। इतने दिनों से किसान यहाँ पर लगातार आपके पास आ रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, इसी चीज को लेकर कि क्यों नहीं हो रहा, फिर भी क्या कारण है कि उसके बाद अब लेब में जाएगा, और कितने दिनों तक लेब में रहेगा? ये समस्या आज मेरे सामने आई है। इसके पहले एक टेस्ट हुआ था जो साइलो ने फेल कर दिया था, अभी आज आपको देंगे, कल इसकी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, पवन तिवारी जी जिला प्रबंधक है, जिन्होंने बताया कि अब ये लेब में जाएगा, और लेब में जाने के बाद इसका जो जो इसकी गुणवत्ता है वो देखी जाएगी, और उसके बाद ये लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान अभी भी नाराज और अड़े हुए हैं कि जब तक इनका गेहूं यहाँ पर नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ पर आंदोलन करेंगे, और तब तक ये खड़े रहेंगे, क्योंकि इस जो गेहूं लेकर आए हैं उस गेहूं से इनका पूरा परिवार चलता है। क्योंकि गेहूं उगाने में, चाहे वो अच्छा गेहूं या खराब गेहूं, किसान अपने इच्छा से खराब गेहूं नहीं उगाता है, और अच्छा गेहूं और खराब गेहूं उगाने में दोनों में ही उतना खून पसीना मेहनत उतनी ही लगती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसान अब यहाँ पर अड़े हुए हैं कि जब तक इनका गेहूं नहीं लिया जाएगा तब तक ये यहाँ से नहीं हिलने वाले। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।